नमस्कार, आप सुन रहे हैं न्यूज बिहार झारखंड 20 जनवरी बुधवार। खबर दिनभर में आपका स्वागत है, मैं प्रिया तायल। आज के मुख्य समाचार। बिहार में 9 फरवरी से 24 मार्च तक चलेगा विधानमंडल सत्र, कैबिनेट ने लिया फैसला। नक्सलियों को सरेंडर कर हुनरमंद बनाने के लिए हेमंत सरकार ने की विशेष पहल। चिराग पासवान बोले, बिहार में अपराध के लिए मुख्यमंत्री जिम्मेदार, अब तो सीरियस हो जाओ। बीजेपी जेडीयू ने कांग्रेस पर लगाया किसान आंदोलन में फंडिंग करने का आरोप। झारखंड के गढ़वाल जिले में नाबालिग बच्ची के साथ हुआ गैंगरेप, 4 आरोपी गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। बिहार में कैबिनेट की बैठक में कुल 18 एजेंडों पर मुहर लग गई है, जिसमें यह भी तय किया गया है कि बिहार में विधानमंडल का सत्र 19 फरवरी से शुरू होगा और 24 मार्च तक चलेगा। बिहार विधानमंडल के दोनों सदन का संयुक्त बैठक के साथ शुरू होगा। 19 फरवरी को विधानसभा के एक्सटेंशन भवन में ज्वाइंट बैठक की जाएगी। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ सदन के सत्र की शुरुआत होगी। वहीं 22 फरवरी को बजट 2021-22 के लिए विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा और 23 फरवरी को विधानसभा परिषद में बजट पेश किया जाएगा। झारखंड में उग्रवाद नियंत्रण के लिए राज्य सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। सरकार का प्रयास है कि मुख्यधारा से भटके लोग वापस समाज की मुख्यधारा से जुड़कर राज्य के नवनिर्माण में सहयोग करें। इसके लिए नक्सलियों को आत्मसमर्पण का विकल्प और उन्हें बेहतर जीवन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से हुनरमंद बनाने की पहल की जा रही है। साल 2020 में 14 उग्रवादियों ने सरेंडर किया था। इन उग्रवादियों में 3 को 4-4 लाख रुपए, 9 उग्रवादियों को 2-2 लाख रुपए और 2 उग्रवादियों को 1-1 लाख रुपए की राशि का भुगतान दिया जा रहा है। लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने फिर सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोला है। चिराग ने कहा कि राज्य में हो रही हत्या, लूट और बलात्कार जैसी आपराधिक वारदातों के लिए खुद मुख्यमंत्री जिम्मेदार हैं। एक के बाद एक वारदात से राज्य दहल रहा है, लेकिन सीएम के साथ गृहमंत्री की कुर्सी पर बैठे नीतीश कुमार कुछ नहीं कर पा रहे हैं। साथ ही कहा कि बीते 16 सालों से नीतीश कुमार सीएम है और पुलिस की कमान भी उन्हीं के हाथों में है, लेकिन राज्य में अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। उन्होंने अपने बयान में सीएम से कहा कि अब तो सीरियस हो जाइए। किसान आंदोलन में फंडिंग को लेकर जेडीयू ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। जेडीयू प्रवक्ता सुहेली मेहता ने आरोप लगाते हुए कहा कि अब कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। किसानों ने अपनी बात रखी थी, लेकिन अब कांग्रेस इस आंदोलन को फंड करने का काम कर रही है। हमें बहुत पहले से पता है कि कांग्रेस राहुल गांधी की सलाह पर देश को खत्म करने की कोशिश कर रही है। पार्टी को खुद के विस्तार के लिए फंडिंग करनी चाहिए, वरना भारत का लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। झारखंड के गढ़वाल जिले में एक नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप की घटना के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने नाबालिग लड़की को रविवार को फोन कर बुलाया और फिर उसे एक गांव ले गए, जहां उसके साथ बलात्कार किया गया। पुलिस ने चारों नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि झारखंड में इन दिनों अपराध के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। अगली मुलाकात होगी कल। नमस्कार।